दोस्तों, हॉरर मूवीज़ के दीवाने तो कई लोग होते हैं, लेकिन कुछ हॉरर मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हमें नींद में भी सोने नहीं देती। तो इसी तरह की कुछ बेहतरीन और डरावनी हॉरर मूवीज़ लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आती है मूवी दी कॉन्जरिंग। दी कॉन्जरिंग मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। ये कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट जेम्स वॉन ने किया है। इस मूवी का टोटल बजट $20 मिलियन था और इस मूवी ने $319 मिलियन की एक बेहतरीन कमाई की थी। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक हॉन्टेड हाउस में एक परिवार रहने के लिए आता है, लेकिन उस हाउस में पहले से कई लोगों की मौत हो चुकी होती है और उसमें कई आत्माएँ रहती हैं, जिसके बाद शुरू होता है मौत का सिलसिला। आपको बता दें, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की एंडिंग में ये कहानी किसके साथ घटित हुई थी वो बताया जाता है। अगर आप इस मूवी का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और फिर इस मूवी को देखिए। ये मूवी आपको डर का असली मतलब बता देगी। नंबर दो पर आती है मूवी दी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। इस मूवी को 2007 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है ऑरेन पेली ने। इस फिल्म की कहानी एक कपल कैटी और मिक की है जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। कैटी निक को बताती है कि उसके साथ बचपन में कुछ बुरी शक्तियाँ उसे परेशान करती थी, लेकिन उस घर में आते से ही पैरी के साथ फिर से अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। इस फिल्म को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक रखा गया है कि ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। Kills you 7 days after you watch it. The second it's over, the phone rings, and this boy says. नंबर तीन पर आती है मूवी दी रिंग। दी रिंग को 2002 में रिलीज किया गया था। 1998 की इसी नाम की एक हॉरर मूवी का रीमेक है। इस मूवी को गो वर्मन स्टोर ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी एक ऐसे वीडियो टेप की है जिसे देखने के 7 दिन के अंदर ही देखने वाले की मौत हो जाती है। इस मूवी को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि ये मूवी आपको अंदर तक डरा कर रख देगी। अब नंबर चार पर आती है मूवी एनाबेला। एनाबेला मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। ये कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की एक प्रिक्वल मूवी है। इस मूवी को जॉन आर ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी एक ऐसी शापित डॉल एनाबेला की कहानी है जिसे जो भी अपने घर ले जाता है वो डॉल अपने साथ मौत का फरमान लिए उस आदमी के घर चल देती है। ये कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की एक शानदार मूवी है और अगर आप हॉरर मूवीज़ और कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी के दीवाने हैं तो ये मूवी आप ही के लिए है। आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर पाँच पर आती है मूवी लाइट आउट। लाइट आउट मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। यह इसी नाम की एक शॉर्ट मूवी पर आधारित है। इस मूवी का डायरेक्शन लॉरेंस ग्रे ने किया है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपड़ा कारखाने की है जहां लाइट बंद करते ही एक पिशाच आ जाता है। इस घर में रहने के लिए एक माँ अपने बेटे के साथ आती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ एक शैतानी पिशाच उन पर कब्जा करने लगता है। ये इतनी डर और खौफ से भरी हुई मूवी है कि आपको लाइट बंद करने तक से डर लगना लगेगा। इसलिए इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। नंबर छह पर आती है मूवी द सिक्स्थ सेंस। इस मूवी को 1999 में रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर और मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट ने और ये मूवी इतनी ज्यादा शानदार है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें थ्रिल भी भरपूर है। और ये मूवी उन लोगों के लिए है जो हॉरर से हटके हॉरर के साथ कुछ नया देखना चाहते हैं। तो अगर आप उसी तरह के देखने वाले या दीवाने हैं तो ये मूवी आप लोगों के लिए है। बरसात पर आती है मूवी इट चैप्टर वन। ये फिल्म 2017 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट एंडी ने किया है। ये एक शानदार मूवी है। इस मूवी की कहानी उन स्कूली बच्चों की है जिन्हें जब जब डर लगता है तो एक जोकर आता है और उन्हें मार देता है। इस मूवी के देखने के बाद आपके अंदर जितने भी जोकर हैं सभी के लिए एक अनजाना से डर आ जाएगा और आपके अंदर वो खौफ सिहरन हमेशा के लिए बस जाएगी। इसलिए आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए।
नंबर 8 पर आती है मूवी फोबिया। फोबिया एक बॉलीवुड मूवी है जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर मूवी है। मिस्ट्री हॉरर मूवी होने के साथ साथ इस मूवी की कमाल की बात यह है कि जब इसका सस्पेंस खुलता है तो एंडिंग में ये आपको खुद से कनेक्ट कर देती है, क्योंकि हर आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी डर जरूर लगता है। इस मूवी में राधिका आप्टे का काम बहुत ज्यादा शानदार है, इसलिए आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब नंबर 9 पर आती है मूवी 28 डेज लेटर। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का डायरेक्टर डेनी बॉमेन है और इस फिल्म की कहानी ऐसे वायरस की है जो इंसान को उस हद तक पागल कर देता है जहां वो किसी को भी मारने के लिए तैयार होता जाता है। इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी को क्रिटिक्स ने काफी शानदार रिव्यूज दिए थे, इसलिए आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब नंबर 10 पर आती है मूवी द फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी सीरीज है जिसकी किसी भी मूवी को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मौत हर किसी का पीछा करती है और उसे कभी नहीं छोड़ती। अगर आपकी मौत आनी है तो बंद कमरे में हो सकती है या बिस्तर पर भी हो सकती है। ये एक ऐसी मूवी है जो अपने हर एक पार्ट से जुड़ी हुई है और आपको एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपको खौफ के उस लेवल तक पहुँचा देगी जो आदमी को हर वक्त डराता रहता है कि काश के वो जिंदा बच जाए, कभी उसकी मौत तो नहीं हो जाएगी, और हर वक्त ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं मौत छुपी बैठी है। तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 हॉरर मूवीज़ जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो भी डर के साथ। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके इसी तरह के सपोर्ट से हमें नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।